मध्य प्रदेश में बीजेपी का सीक्रेट प्लान लीक, क्या है शिवराज की योजना? बीजेपी के प्लान से कांग्रेस पे तेज हुई हलचल, कमलनाथ जाएंगे दिल्ली। बीजेपी के प्लान की काट के लिए कांग्रेस ने बदली रणनीति। बीजेपी का सीक्रेट प्लान अब सामने आ चुका है और कांग्रेस बीजेपी के इस प्लान की काट में जुटी हुई है। पार्टी हिंदुत्व को लेकर तो पहले से आक्रामक दिखाई दे रही थी और अब जिस तरह से अपनी कमजोर सीटों पर उसने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, शिवराज सिंह चौहान को पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है, उसके बाद से साफ हो गया है कि पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव मैदान में जाने की तैयारी कर चुकी है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने एससी और एसटी सीटों पर मुख्य फोकस किया है। 39 में से 21 सीटें एससी एसटी के प्रभाव वाली हैं। इसके साथ ही पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि पिछली बार की गलती वो नहीं दोहराएगी। 2018 के विधानसभा चुनाव में आरक्षित सीटों पर कांग्रेस ने भारी बढ़त हासिल की थी। राज्य की 82 आरक्षित सीटों में बीजेपी को सिर्फ 34 सीटों पर ही जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 47 सीटों पर जीत हासिल की थी। जबकि 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास 69 सीट थी, यानी 2013 से 2018 के बीच में बीजेपी के हाथ से 25 सीट फिसल गई थी। इसलिए बीजेपी की पहली सूची में इन्हीं सीटों पर फोकस किया गया है। बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट से सभी लोग चौंक गए थे। 20-20 इकट्ठी छींके आना शुरू हो जाती, नाक में चिंग और रनिंग नोज, गले में रेशा गिरते रहना। एलर्जी रक्षक अवले का आधा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ लें, कुछ ही दिनों में आपकी प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी। इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए गूगल पर टाइप करें allergyrakshak.com या कॉल करें 8400050589 पर। आमतौर पर पार्टी चुनाव के ऐलान के बाद चुनाव समिति की बैठक करती है, जिसमें प्रदेश कमेटी की ओर से भेजे गए नामों पर चर्चा के बाद उम्मीदवारों का नाम घोषित किया जाता है। लेकिन इस बार बीजेपी ने परंपरा बदल दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर कहा कि कांग्रेस कहती थी कि एक साल पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, उनके उम्मीदवार कहाँ हैं ये तो कांग्रेसियों को ही पता नहीं है, लेकिन हमने अपने उम्मीदवार घोषित भी कर दिए। युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है, हमारी यात्राएं शुरू होने वाली है, हम भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि जिन सीटों पर 2018 में हम हार गए थे, उन सीटों को वापस जीतने के लिए सबसे पहले हमने हारी हुई सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही करने का दांव चला है। राज्य में अक्टूबर नवंबर महीने में चुनाव होने वाले, ऐसे में 2 महीने पहले ही उम्मीदवारों का नाम घोषित करके पार्टी ने उन्हें पूरी तैयारी का मौका दिया है। दरअसल इस बार बीजेपी को इस बात का एहसास है कि मध्य प्रदेश में हिंदुत्व के सारे जीत हासिल नहीं हो पाए, क्योंकि बीजेपी के हिंदुत्व की रणनीति की काट के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ 2 साल से मेहनत कर रहे थे और उन्होंने अपनी छवि को हिंदुत्ववादी नेता के बनाने की सफलता हासिल कर ली है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव कांग्रेस हिंदुत्व की रणनीति के तहत ही लड़ती दिखाई दे रही है। प्रदेश में चर्चाएं तो यहां तक होने लगी है कि बीजेपी के सॉफ्ट हिंदुत्व का मुकाबला इस बार कांग्रेस के हार्ड हिंदुत्व से होने वाला है। कमलनाथ ने तो संकेतों में भारत को हिंदू राष्ट्र तक बता दिया था, जबकि ये दावा आज तक कांग्रेस का कोई दूसरा नेता नहीं कर पाया है। ऐसे में इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव कई मामलों में दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने जिस तरह से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, उसके बाद अब कांग्रेस जरूर दबाव में दिखाई दे रही है और दावा किया जा रहा है कि पार्टी इसी महीने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। पहले 15 सितंबर के आसपास उम्मीदवारों के नाम घोषित करने का प्लान बनाया जा रहा था, लेकिन अब एमपी में कांग्रेस की लिस्ट इसी महीने आएगी यह तय माना जा रहा है। बता दें कि 2018 में कुल 230 सीटों वाली विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 114 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी 109 सीटें जीतने में कामयाब हो सकी थी, बाकी 7 सीटें अन्य के खाते में चली गई थी। हालांकि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, दर्पण न्यूज़।